मिल जाते हैं। हाँ। आप ये देखो यार, आप छोटी सी बातें हम डिस्कस कर रहे थे कि यूरोप में जिस उम्र के लड़के नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहे होते ना, पाकिस्तान में उसी उम्र के लड़के शादी के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। ये कैसी बात मतलब है? जो यहाँ पर होता है वहाँ नहीं होता, जो वहाँ होता है यहाँ पर नहीं होता। आप देखिए पाकिस्तान वहाँ वाला अगर यहाँ होने लगे तो क्या बात है, वो भी इस गर्मी में। ये तो फिर भी हम गर्मी में आए यार, हम पिछली बार सर्दियों में आए लाहौर में, सर सर्दियों में लाहौर आए, इतनी सर्दी और इतनी धुन, इसको कोई धुन में थप्पड़ मार गया, इतनी धुन, इतनी धुन थी, वहीं से बाल गिरे मैं। हाँ ये देखो ना, अब देखिए पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा, देखो मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं बच्चों की अगर बात चल रही है, पाकिस्तान से बाहर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो वो मुख्तलिफ चीजों पे तहकीक कर रहा होता है, और हमारे मुल्क में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो पता क्या कह रहा होता है, मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना नौमान से भी बात करती है। ये चीजें हैं जो अभी तक हैं हमारे यहाँ, अल्लाह करे ये दूर हो जाए, कि हमारा फोकस क्या है, हमने किस में जाना है। कि देखिए बात वही ना, कि मैच्योरिटी वो नहीं है जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैच्योरिटी वो है जब आप छोटी छोटी बातों को समझना शुरू करते हैं। वाह, आप ये पढ़ाने हैं? नहीं मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ाऊंगा। वो इंग्लिश की एक लाइन है कि व्हाट यू डू इन प्राइवेट डिफाइंस हु यू आर इन पब्लिक। अकेले में आप क्या इंसान हो उसकी बेस पे आप क्या इंसान हो, आप वो इंसान बनते हो। पब्लिक के सामने तो हम सारे टिप टॉप होके निकलते हैं, लेकिन अकेले में आप कैसे हो सर? वो एक बात है ना कि अल्लाह आप हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, क्योंकि आप जिस तरह का टैलेंट है, वो कहते हैं ना कदर और वक्त की बड़ी अहमियत है, आप जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। मुझे बताएं, माशाल्लाह, जिसे क्यों दो वो क्यों नहीं देता, वो क्यों नहीं देता, ये भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक बात देना चाहूंगा बहुत सी मुल्की लड़कियों को कि आपने शादी नहीं की। तो आपने शादी नहीं की, लेकिन आपके ज्यादातर जोक्स बीवियों पर होते हैं। हाँ। इसका क्या सर? नहीं, मर्दों पे भी होते हैं सर, मर्दों पे भी इक्वल होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब शादी के शोज करते हैं हम, कंपनीज के शोज करते हैं, उसमें खवातीन होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो बात को शुरू करने के लिए बात करते हैं, और अक्सर मियां बीवी इंजॉय भी करते हैं, कि छोटी छोटी जोक्स पे हम बात लेके चलते हैं, क्यों इंजॉय करते हैं। अब हमारे यहाँ के मर्द देखे ना, जब अकेले घर से बाहर निकलते हैं ना औरतों को घूर रहे होते हैं, और जब बीवी के साथ बाहर निकलते हैं ना मर्दों को घूर रहे होते हैं। है ये देखे ना स्ट्राइकी है। और हमारे मुल्क में मर्दों ने कभी भी हुकूक नहीं मांगे, जब भी मांगा सेल नंबर मांगा, तस्वीर मांगी। शादी से पहले मंगेतर के नखरे उठा के नखरे उसके पीछे 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 ये बदल क्यों जाते हैं मर्द शादी के बाद? हाँ, ये क्यों कहती हैं औरतें? लेकिन अब जो है ना प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले फोन पे वीडियो कॉल पे इतनी बातें हो जाती है कि शादी के बाद कोई बात करने को रहती नहीं है, झगड़ा रह जाता है सिर्फ। तो भाई इससे इज्तनाब करें, ठीक है आपका रिश्ता हो गया कहीं, तो थोड़ा हफ्ते में एक बार बात कर ली, महीने में कर ली, लेकिन अगर आप सारी बातें पहले ही कर लेंगे तो बाद में सिर्फ कुंडी रह जाएगी और कुछ नहीं। आप देखो, तो अगर हम बात करें ना, अब आप देखो बीवी के शौहर से ये कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना भी मैं ही पका कर दूं? शौहर कह रहा है ये दुनिया का कानून है, दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना हुकूमत ही फराहम करती है। वाह।